लो भैया और स्पाई शॉट आ चुके हैं टाटा नेक्सोन के 2023 न्यू फेसलिफ्ट। अब 2023 नहीं कहेंगे उसको, 2024 वाला न्यू फेसलिफ्ट करेंगे भाई। वैसे तो ये न्यू फेसलिफ्ट है, लेकिन भाई जैसे मैं गाड़ी देख रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि भाई पूरी की पूरी न्यू जनरेशन आने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि भाई आपको ये वाली लुक कैसी लगी। क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता अब कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसको इसकी बैक प्रोफाइल जो रियर की प्रोफाइल थी कई लोगों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब जो है आएगी, ज़रूर से आएगी, ये भाई 100% गारंटी है मेरी। और दूसरी बात भाई, आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा मिलेगी, वैसे पक्षी पक्षियों की मिलेगी ना, हम थोड़ा बाहर बैठे हैं भाई, खेतों में बैठे हैं, वहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो टेंशन मत लो यार, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ बताएंगे। चलो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, काफ़ी टाइम हो गया टाटा नेक्सोन भाई लॉन्च होने जा रही है, इतने मेरे को कमेंट भी आ गए हैं भाई कब होगी कब नहीं होगी, डेट बताओ पक्की पक्का, साल बताओ कौन से साल में होगी। तो भाई बंदों ने तो दिमाग खा ही रखा है, और उल्टा भाई टाटा नेक्सोन के भाई न्यू जो स्पाई शॉट आ रहे हैं, चलो पहले तो कैमोफ्लास के साथ आते थे, लेकिन भाई अब तो विदाउट एनी कैमोफ्लास के साथ आ रहे हैं, और पूरा का पूरा मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अनविल कर दिया है कि भाई टाटा नेक्सोन कैसे होने वाली है। कई पिक्चरें जो कि लीक हुई हैं अभी, ठीक है, हाल ही में, और फ्रंट का तो भाई सबको पहले भी पसंद आती थी, अब भी पसंद आएगी, वैसे तो फ्रंट का भी चेंज किया है, लेकिन मेन काम तो इसका भाई इंटीरियर और इसके बैक प्रोफाइल में हुआ है, रेयर में, तो मेन चीज़ तो वहीं पर है। अब बैक कईयों को पसंद नहीं आती थी, कि लोग कहते थे कि यार क्या बैक ऐसी अजीब सी लगती है थोड़ी, मतलब वो वाली फील नहीं आती कि भाई हम 13-14 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ, या फिर मतलब कि नहीं पसंद आती थी लोगों को, कई लोगों को है ना, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी नहीं आती थी। लेकिन भाई अब जो मैं देख रहा हूँ ना ये पिक्चरों में, भाई मेरे को मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी एग्रेसिव सी लुक मिल रही है इस टाटा नेक्सोन की, पूरी कनेक्टिंग हेडलाइट दे दी आपको पीछे की, और थोड़ी ना बिल्कुल थोड़ी क्या कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी चेंज कर दी है इन्होंने, मतलब बहुत प्यारा काम किया टाटा नेक्सोन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया काम किया, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कमी छोड़ी हो। दूसरी बात, आपको पता भी है कि भाई टाटा नेक्सोन का जो इंटीरियर है वो तो भाई पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ले लो, स्टेयरिंग व्हील ले लो, कुछ भी है यार, सब कुछ चेंज मिलेगा आपको। पूरी डिटेल में तो क्या ही बताना आपको, कई वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ मैं आपको कि भाई न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, न्यू स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है, न्यू भाई आपको डिस्प्ले मिल रही है, न्यू कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। मेन चीज़ थी इसकी बैक, मतलब कि बाहर की जो बॉडी थी उसका इतना खास पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कैमोफ्लास के साथ आती थी, लेकिन जो अब प्रोफाइल आ रही है ना वो मेरे को थोड़ा हैरान कर रही है। क्योंकि मेरे को एक बंदे ने भाई फ़ोटो सेंड करी है, कहीं ना कहीं भाई i20 और टाटा नेक्सोन की थोड़ी थोड़ी लुक मिलती है, ऐसा मेरे को बंदों ने कहा है। अब मैं ये चीज़ आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सही में ऐसा है कि नहीं है, या टाटा नेक्सोन की जो भाई न्यू लुक आ रही है पीछे की बैक प्रोफाइल वो पूरी की पूरी चेंज है, और वो उन्होंने अलग से बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि i20 की कॉपी करी हुई है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। और गाड़ी कैसी लगी आपको, बस आने वाली है, टेंशन मत लो, हमने फ़ोन कर ही रखा है शोरूम में, आ जाएगी आपको डायरेक्ट, आपको दे देंगे यार, गिफ्ट कर देंगे, मारो गोली, छोड़ो यार तुम, बस चैनल को करो सब्सक्राइब, बाकी देख लेंगे हम, बाकी तुम हम पे छोड़ दो। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही था, बाय बाय।